हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बना रही हूँ शुद्ध घी घर की मलाई के साथ, वो भी माइक्रोवेव में, और साथ में खोवा भी बनाने वाली हूँ। उसके लिए मैंने लिया है मलाई। ये मलाई वो है जो हम लोग दूध के ऊपर से निकालते हैं। ये छोटी कटोरी से 4 कटोरी है। अब मैं इसको निकाल रही हूँ एक माइक्रोवेव सेफ बाउल में। निकाल के मैं इसको स्पून से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि मलाई अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पर आप विस्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। माइक्रोवेव में घी निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान है गैस के ऊपर निकालने के कंपैरिजन में। अब मैंने इसको मिक्स किया है। अब आप देख सकते हो मलाई पूरी तरह से भरा नहीं है। माइक्रोवेव बाउल में ये आधा ही रहना चाहिए, अगर पूरा रहेगा तो वो खोल के गिर जाएगा। अब मैं माइक्रोवेव को हाई स्पीड पे 5 मिनट के लिए सेट कर रही हूँ। पहले हम 5 मिनट के लिए सेट करेंगे, उसके बाद आगे और सेट करेंगे। 5 मिनट हो गया है, अब मैं इसको निकाल के चेक कर रही हूँ। 5 मिनट में ये हुआ नहीं है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके बीच बीच में हमें इसे चलाना है ताकि बाउल के नीचे ना लगे। अब मैं इसको फिर से माइक्रोवेव में रख रही हूँ और 5 मिनट के लिए हाई स्पीड पर ही। 5 मिनट हो गया है, मैं इसे निकाल रही हूँ। अब देख सकते हैं मैंने पहले 5 मिनट रखा और अभी 5 मिनट, 10 मिनट में ये ऑलमोस्ट हो गया है। अब मैं इसको अच्छे से एक बार और चला रही हूँ। चला के अब मैं इसे सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए रखूँगी, उससे ज़्यादा नहीं रखना। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा देर रखेंगे तो जो खोवा है वो हार्ड बन जाएगा, सख्त बनेगा, और उससे हम लोग कोई मिठाई नहीं बना पाएंगे। अब मैं माइक्रोवेव को फिर से सेट कर रही हूँ 3 मिनट के लिए। 3 मिनट के लिए सेट कर रही हूँ। आप देख लेना अगर आपका माइक्रोवेव, ये अलग अलग माइक्रोवेव का टेम्परेचर अलग अलग रहता है, आप हो सके तो पहले 2 मिनट के लिए सेट करना। अब मैं इसे निकाल रही हूँ 3 मिनट बाद। 3 मिनट बाद अभी मैं निकाल के आपको दिखा रही हूँ। देख सकते हैं मलाई में से घी भी निकल गया, खोवा भी निकल गया, दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। अब मैं इसे बाहर निकाल रही हूँ। आप देख सकते हैं ऊपर पूरा घी है और नीचे पूरा खोवा है। अब मैं इसे ठंडा होने दूंगी। ठंडा होने के बाद ये जो खोवा है थोड़ा सा और ब्राउनिश हो चुका रहेगा। अगर हम लोग इसको और ज़्यादा करेंगे तो ये सख्त बन जाएगा। अब मैं इसे थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसे ठंडा होने दूंगी। अब ये ठंडा हो गया, आप देख सकते हैं घी अलग हो गया है, मावा अलग हो गया। ये जो माइक्रोवेव में हम लोग घी निकाल रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है। आप इसे बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत जल्दी बनता है बिना किसी झंझट के। अब मैं एक छन्नी रख के, छन्नी के नीचे बाउल रखी हूँ। अब उसमें अच्छे से घी को छान के निकाल रही हूँ। स्पून से मैं अच्छे से दबा रही हूँ ताकि खोवे में जितना भी घी है वो अलग हो जाए और खोवा अलग हो जाए। स्पून से हमें अच्छे से प्रेस करते हुए निकालना है, नहीं तो खोवे में घी रह जाएगा। मैंने दबाते हुए अच्छे से निकाल लिया, आप देख सकते हैं अब खोवे में फिर भी थोड़ा सा घी है। तो मैं इसे और एक बार और अच्छे से स्पून से प्रेस करके निकाल रही हूँ। अब हमारा खोवा और घी दोनों अलग अलग हो गया है। ये है हमारा घी और यह है हमारा खोवा, एकदम दानेदार। अब आप इसे जो चाहे वो मिठाई बना सकते हैं या ऐसे शक्कर डाल के खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। घी निकालने में मुझे पूरे 13 मिनट का समय लगा है। किसी किसी माइक्रोवेव में कम समय लगता है, किसी किसी में ज़्यादा, पर बनेगा बहुत अच्छे से। आप भी ये घी और खोवा बनाइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।